हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, शो दैट जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग 2 + x, x - x^2 - 2n है इंटू में साइन x अपॉन 1 + x^2n है, और इसे हमें बताना कि डिसकन्टिन्यूस है एक्स बराबर एक पर। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूस तो होगा नहीं, यानी कि डिसकन्टिन्यूस होगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट जो दोनों निकालोगे आप वो दोनों अनइक्वल आ जाएंगे, और यही चीज़ हमें शो करनी है। अच्छा, ये भी होगा एंड पे आप बता दोगे कि किस टाइप की डिसकन्टिन्यूटी होगी, तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट निकालना है हमें किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन किस पर निकाल लेते, 1 पर, 1 प्लस एच हो जाता है। ठीक, अब ये हमारा फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 तो है ही है, और फंक्शन में लिमिट ऑलरेडी है, ये भी देखना है आपको। अब आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट log 2, और x की जगह हम क्या रखना है, 1 प्लस एच। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच की पावर 2n, और इनटू में साइन x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच, और टोटल के अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस x की जगह पर 1 प्लस एच की पावर 2n। ठीक, ये टोटल की बट्टी में आ जाएगा। ओके, ये चीज़ है। बट मैं उससे पहले आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, सेंस करके लिख लीजिए आप। सेंस क्या मेंशन करना चाहता हूँ, देखिए अगर 1 प्लस एच, इसकी ज़रूरत पड़ी हमें, अगर 1 प्लस एच एक से बड़ा है, यानी कि एक से कुछ भी बड़ा हो सकता है, एच कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, अगर 1 प्लस एच है एक से बड़ा है तो 1 प्लस एच की पावर जो 2n होगी वो कहाँ की ओर जाएगी, वो जाएगी इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि 1.1 भी सोच लोगे आप, और 1.1 को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, n आपका इन्फिनिटी की ओर बैरी कर रहे हैं ना, यहाँ देखिए तो वो जाएगा इन्फिनिटी की ओर, है ना। और दूसरा केस ये बन सकता है, देखिए यहाँ से अगर 1 माइनस एच एक से छोटा हुआ, यानी कि एक से छोटा होगा पॉइंट में चला जाएगा, और पॉइंट में जब 1 माइनस एच की पावर अब 2n करेंगे तो ये टेंड्स करेगा 0 की ओर। तो इनका यूज़ करना, जब 1 प्लस एच की पावर 2n दिखे तो वहाँ लिखना है इन्फिनिटी, और जब 1 माइनस एच की पावर 2n दिखे वहाँ लिखना है 0। ओके, तो अब ये हमारा आया है फंक्शन, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेते हैं, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा लिमिट एस टेंस टू 0 लिमिट, ये आपका एन है, ठीक है, एच मत समझ लेना, ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, एन टेंस टू इनफिनिटी लॉग यहाँ पर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस एच, यहाँ से देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा ना, और इसके अपॉन में हम लिख लेते हैं 1 प्लस एच की पावर 2n। ये इसको हमने एक फंक्शन हल कर लिया, अब माइनस दूसरा फंक्शन यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस एच की पावर 2n इनटू में क्या है, साइन 1 प्लस एच, और टोटल के अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच की पावर 2n। ठीक है, और अलग अलग कर लिया हमने, और हमने एक चीज़ यहाँ पर ये किया, ये ब्रैकेट मिस था तो ब्रैकेट भी लगा दो। ठीक, अब ये लिमिट क्या करना, आप दोनों के साथ अलग अलग ले लेना, फिर आपको क्या मिल जाएगा, देखो जब आप अलग अलग लोगे लिमिट तो आपको क्या मिलेगा, इस स्टेप को आप और सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से ये आप मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से आ जाएगा आपका लॉग 3 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच की पावर 2n माइनस, फिर यहाँ लग जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और जो भी चीज़ें थी यहाँ पर लिख दो,
वन प्लस एच की पावर टू एन इन टू में साइन वन प्लस एच। नीचे क्या था देखो, नीचे भी यही चीज़ थी है ना, उसके नीचे भी यही चीज़ आएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, वन प्लस एच की पावर टू एन को कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पर था ही नहीं, यहाँ पर था ही नहीं, तो ये अपॉन में चला जाएगा वन प्लस एच की पावर टू एन, और यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ क्या आ जाएगा वन। ठीक, तो इस पावर से ये पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, और लिमिट को भी टेंस कराओ, लिमिट को एंड को टेंस कराए इन्फिनिटी पर, एच को टेंस कराने जीरो पर, देखो क्या मिलेगा यहाँ से, एच की जगह पर जीरो रखोगे एन के टेंस पर इन्फिनिटी, तो वन प्लस एच की पावर टू एन कहाँ जा रहा था, इन्फिनिटी मैंने बोला था अभी, तो और यहाँ से एच की प्लस पर जीरो रखोगे तो ऊपर यहाँ मिल जाएगा आपको लॉग थ्री, और अपॉन में मिल जाएगा वन प्लस इन्फिनिटी माइनस, एच की जगह पर जीरो रखना है यानी कि ऊपर मिलेगा साइन वन, और नीचे मिल जाएगा देखो ये चीज़ जा रही है इन्फिनिटी की ओर, मैंने बोला था, तो यहाँ से वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस वन ये चीज़ आ जाएगी। किसी के अपॉन में इन्फिनिटी हो तो वो क्या होता है ज़ीरो, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है ज़ीरो प्लस वन, तो यहाँ से क्या जाएगा साइन वन, यानी कि माइनस के साइन वन आ जाएगा इक्वेशन नंबर ए। ये हमें मिला है राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली इसी प्रोसेस से हमें क्या निकालना है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट, अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1, फार्मूला वही है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस h। ठीक, ये चीज़ हो गई, अब फिर से वही चीज़ लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको अब क्या रखना है 1 माइनस h रख देना है, तो रख देते हैं लिमिट फंक्शन में ऑलरेडी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है log 2, और x की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस h। ठीक है, माइनस एक्स की जगह पर वन माइनस एच की पावर टू एन, और साइन क्या हो जाएगा वन माइनस एच। टोटल के बट्टे में क्या है, टोटल के बट्टे में वन प्लस एक्स, एक्स की जगह पर हमें रखना है वन माइनस एच की पावर टू एन, ये आ गया। अब इसको भी क्या करना है, अलग अलग लिख लेना है, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी log 3 माइनस एच अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से देखिए 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस एच की पावर 2n। ठीक है, ये चीज़ आ गई, और यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, फिर ऊपर क्या है 1 माइनस एच की पावर टू एन इन टू में साइन वन माइनस एच था, अपॉन में क्या है देखिए वन प्लस वन माइनस एच की पावर टू एन। ठीक है, ये चीज़ हो गई, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अभी मैंने बताया था वन माइनस एच की पावर टू एन, एन जब इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी ज़ीरो। ठीक, ये मैंने बोला था। ठीक, तो यहाँ से क्या मिले, और h की वैल्यू रख दो ज़ीरो, और n की वैल्यू जब टेंस कराएंगे इन्फिनिटी वन माइनस एच की पावर टू एन जाएगा ज़ीरो की ओर, तो ऊपर आ जाएगा log 3 माइनस ज़ीरो, और नीचे आ जाएगा वन प्लस ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ हमें मिलेगी, और इधर से क्या मिलेगा देखो माइनस, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ऊपर है वन माइनस एच की पावर टू एन इन टू में साइन वन माइनस एच अपॉन, देखो यहाँ से क्या है कॉमन निकालो वन माइनस एच की पावर टू एन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा वन अपॉन वन माइनस एच की पावर टू एन प्लस वन। ठीक है, कॉमन निकाल दिया तो यहाँ वन बचेगा, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से तो देखो क्या आ रहा है log 3 आ रहा है। ठीक है, और इधर से क्या है h की प्लेस पे ज़ीरो रखना है, और n के प्लेस पे इन्फिनिटी, और 1 माइनस एच की पावर इन्फिनिटी सॉरी 1 माइनस एच की पावर 2n किधर की ओर जाता है ज़ीरो की ओर, तो ऊपर आ गया साइन 1 माइनस ज़ीरो, नीचे आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 0 प्लस 1, और आप जानते हैं क्या जानते हैं आप, किसी के अपॉन में ज़ीरो तो वो होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी
प्लस वन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और किसी के अपॉन में जब इन्फिनिटी आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो ये वैल्यू क्या आ गई, लॉग थ्री। ये आप मान लीजिए बी इक्वेशन। देखिए, सिंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, है ना, क्योंकि एल एच एल कितना आया था हमारा, एल एच एल आया है लॉग थ्री और आर एच एल आया था माइनस के साइन वन, दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। और ज़रा गौर फरमाइएगा कि जो लॉग थ्री है यानी कि एल एच एल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और आर एच एल भी हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट आपस में इक्वल नहीं है। जब ऐसा होता है तो वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, वो डिसकंटिन्यू होती है फर्स्ट काइंड की। तो आप अगर एग्जाम में लिख देंगे दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।